स्टार्ट विद द नॉर्मल फ्लोरा. नॉर्मल फ्लोरा जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है. लाइक ह्यूमंस के अंदर नॉर्मली भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि एज पैरासाइट एक्ट नहीं करते ह्यूमंस के, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, खुद ह्यूमन से फ़ायदा लेते हैं लेकिन ह्यूमंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म. इन्हीं बैक्टीरिया को हम कमेंसल्स कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंट कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पेसिफिक साइट पे. अगर वो स्पेसिफिक साइट पे रहेंगे तब तक वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर वो साइट से हटेंगे तो वो हमारे पास बैक्टीरिया ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाएंगे. कमेंसल वो ऑर्गेनिज्म जो कि बेनिफिट लेते हैं होस्ट से लेकिन डैमेज नहीं करते होस्ट को. इसकी एग्जाम्पल्स हमारे पास डिफरेंट हैं, इसको हमने एमसीक्यूज के लिए याद करना है. नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास स्किन के ऊपर प्रेजेंट जो होता है उसका नाम है स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस. लाइक हमने अगर एक एमसीक्यूज आया व्हाट इज़ द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन, तो हम इसको लगाएंगे स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस. लेकिन अगर हम कहेंगे कि कोई कारबंकल हो गया स्किन पे तो हमारे पास स्टेफलोकोकस ऑरियस प्रेजेंट होगा. इसके अलावा हमारे पास स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस स्किन के ऊपर तो नॉर्मली प्रेजेंट है, स्किन नोज माउथ वजाइना यूरेथ्रा वगैरह के अंदर. अगर नीडल प्रिकिंग हुई है कुछ इस तरह से कि स्किन साफ नहीं थी, वो बैक्टीरिया अंदर चला गया है ब्लड के, तो वो ब्लड से अंदर जाके हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है. अपनी साइट पर रहेगा तब तक कुछ नहीं कहेगा, जब साइट से डिसलोकेट होगा ये बैक्टीरिया तो ये जाके आगे इन्फेक्शन वगैरह कॉज करता है. स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस. इसके अलावा इंपॉर्टेंट है हमारे पास सबको ही पढ़ लेते हैं बैक्टीरियोइड स्पीशीज जो है वो क्लोन, थ्रोट और वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती हैं. कैंडिडा एल्बिकेंस ये भी माउथ, कॉलोन और वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं. क्लॉस्ट्रीडियम कॉलोन के अंदर. कॉर्नी बैक्टेरियम नेजोफेरिंग स्किन और वेजाइना के अंदर. एंटेरोकोकस फेकेलिस कोलोन के अंदर. एसोशिया कोलाई कोलोन वेजाइना के अंदर. गार्डिनेला वेजाइना के अंदर. हीमोफिलस नेजोफेरिंग्स कंजेक्टाइवा में. लैक्टोबैसिलस माउथ वेजाइना में. नजेरिया स्पीशीज माउथ और नेजोफेरिंग्स में. प्रोपियोनी बैक्टेरियम एक्नीज, एक्नीज जो है वो स्किन पे होगा. सुडोमोनास एरिजिनोसा कोलोन और स्किन पे. स्टेफलोकोकस ऑरियस नोज और स्किन पे. स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस स्किन नोज माउथ वेजाइना के अंदर. और विरिडेंस ये माउथ और नेजोफेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होगा. अब ये हमारे पास डिफरेंट वो जगह है जहाँ पे मेन कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो ये लिखा हुआ है. जो ज्यादा पाया जाता ऑर्गेनिज्म है वो ये वाले हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो ये वाले हैं. स्किन के ऊपर मेन कौन सा है, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस. नोज के अंदर स्टेफलोकोकस ऑरियस. माउथ में विरिडेंस. डेंटल प्लेक के अंदर म्यूटेंस. जिंजाइवल सर्विक्स के अंदर एनरोब्स लाइक बैक्टेरियम, फ्यूजो बैक्टेरियम, स्ट्रेप्टोकोकस. थ्रॉट के अंदर विरिडेंस. कोलोन के अंदर बैक्टेरियोइड्स विजेलस. इसको याद रखना है कि वेजाइना के अंदर हमारे पास लैक्टोबैसिलस ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई प्रेजेंट होता है. यूरेथ्रा के अंदर कोई मेन ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं प्रेजेंट होता. लेस इंपॉर्टेंट को याद करने की जरूरत नहीं है. एक बात जो एसोशिया कोलाई और ई कोलाई के बारे में लिखी हुई है कि ये वेजाइना के अंदर कोलोनाइज करते हैं लेकिन नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं है. ह्यूमन माइक्रोबायोम जो नॉर्मल फ्लोरा है उसको हम कहते हैं. अब हमारे पास डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक है कि हम माइक्रोबायोम को जो है वो स्टडी कर सकें. ये ऑर्गेनिज्म जो हैं कैरियर्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये पैथोजन में पैथोजेनेसिस कॉज कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. अगर ये अपनी साइड से लेंगे तो ये पैथोजेनेसिस कॉज करेंगे. कोलोनाइजेशन एक टर्म है कि पहले एक जगह के परमानेंट रेजिडेंट यानी कि नॉर्मल फ्लोरा एक जगह का प्रेजेंट था और कुछ न्यू इंडिविजुअल कब्जा ग्रुप ने आके वहाँ पे कब्जा कर लिया. एक न्यू इंडिविजुअल वहाँ पे आके कोलोनाइज हो गया तो इस टर्म को हम कोलोनाइजेशन कहते हैं. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बरे सगीर में बनी थी. बरे सगीर के अंदर मुसलमान और हिंदू पहले से प्रेजेंट थे और अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे कब्जा ग्रुप की तरह कब्जा कर लिया था. इसको कहते हैं कोलोनाइजेशन. अब ये कोलोनाइजेशन की वजह से हमारे पास क्या हो सकता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर डिजीजेज कॉज हो सकती हैं और हमारे पास प्रोटेक्टिव दे कॉन्स्टिट्यूट अ प्रोटेक्टिव होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म. The ability of members of normal flora to limit the growth of pathogen is called as colonization resistance. जो normal flora है वो disease को कर सकता है immunocompromised patient के अंदर. दूसरी बात यह है कि ये colonization resistance देता है. कैसे, कि normal flora जो है वो बाहर से आने वालों की growth को रोक के रखता है. Like normal colonic flora कौन सा, Clostridium difficile जो कि resistant है antibiotic के, जो कि हमारे पास pseudomembranous colitis cause कर सकती हैं. इसके अलावा हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा क्या काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. लाइक सेवरल विटामिंस, विटामिन बी के बहुत सारे विटामिन और विटामिन के. स्किन की अगर हम बात करें नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन की, तो इसके अंदर प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस होता है. और लेकिन अगर ये हमारे पास आर्टिफिशियल हार्ट वॉल्स और प्रोस्थेटिक जॉइंट, जो आर्टिफिशियल जॉइंट लगाए हुए हैं वहाँ पर जाएगा, तो ये हमारे पास
पैथोजेनेसिस बहुत ज़्यादा कॉज कर सकता है। स्किन के हर सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने ऑर्गेनिज्म हैं, 10^13 से 10^14, और बट सम आर फाउंड इन द हेयर फॉलिकल्स वगैरह के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डीपर फॉलिकल के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, प्रोपियोनोबैक्टर एंड पेप्टोकोकस। ये प्रोपियोनोबैक्टर जो है ये एक्नी कॉज करता है। इसके अलावा ईस्ट कैंडिडा एल्बिकेन जो है वो हमारे पास प्रेजेंट हो सकती है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। यानी कि चार ऑर्गेनिज्म हो गए, स्टेफलोकोकस ऑरियस, स्टेफलोकोकस पाँच, एपिडर्माइटस ऑरियस, पेप्टोकोकस प्रोपियोनोबैक्टर बैक्टीरियम और कैंडिडा एल्बिकेन्स। ये हमारे पास नॉर्मली नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास नोज के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफलोकोकस की बहुत सारी स्पीशीज रहती हैं। पैथोजन जो है वो हमारे पास स्टेफलोकोकस ऑरियस है। थ्रॉट के अंदर हमारे पास नोज का हो गया, थ्रॉट के अंदर हमारे पास विरिडेन, स्ट्रेप्टोकोकस निजेरिया स्पीशीज, स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्माइडस, इन सब का मिक्सचर पड़ा हुआ होता है। और ये हमारे पास इनहिबिट करते हैं ग्रोथ ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, निजेरिया मेनिनजाइटिस और स्टेफ ऑरियस। तीन स्पीशीज यहाँ पे विरिडेंस, निजेरिया और एपिडर्माइडस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, मेनिनजाइटिस और ऑरियस को रोकती हैं। डेंटल प्लैक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस प्रेजेंट है 10^10 ग्राम पर ग्राम इन डेंटल प्लेक। डेंटल प्लेक जो कैसे बनती है, जेलेटिनस हाई मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकेन्स जो हैं वो स्क्रीट होते हैं बाय द बैक्टीरिया, और उसके अंदर लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया इंट्रैप होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एसिड से इनेमल डीमिनरलाइज होता है और कीड़े लग जाते हैं दांतों को। और इसी तरह ये हमारे पास हार्ट वॉल्स को भी, अगर ये डेंटल से सर्जरी से हार्ट वॉल्स भी डैमेज कैसे होते हैं कि बैक्टीरिया अगर ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे तो वो हार्ट तक भी जा सकते हैं। क्लेंज्ड फिस्ट इंजरीज के साथ हमारे पास कौन सा बैक्टीरिया एसोसिएटेड है या ह्यूमन बाइट्स के साथ, इकिनेला कोरोडेंस जो कि नॉर्मल ओरल फ्लोरा है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइनल ट्रैक का, इंटेस्टाइनल ट्रैक की अगर हम बात करें तो कैंडिडा एल्बिकेंस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकाई वगैरह प्रेजेंट होते हैं। रफली हमारे पास फीसिस के अंदर कोलोन जो है वो मेजर लोकेशन है बैक्टीरिया की इन द बॉडी, 10^11 ऑर्गेनिज्म पर ग्राम प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कोलोन के अंदर, और 20% ऑफ फीसिस के अंदर भी यही बैक्टीरिया होते हैं जो कोलोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 90% ऑफ द फीकल फ्लोरा आर एनरोब, जो वो हैं जो कि एनरोब होंगे लाइक बैक्टेरियोइड्स फ्रेजेलस, और फैकल्टेटिव होंगे लाइक कोलीफॉर्म्स और एसर्शिया कोलाए। फीसिस के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास बैक्टेरियाज आ रहे हैं कोलोन के अंदर वो कौन कौन से हैं, बैक्टेरियोइड्स फ्रेजेलस, बेफिडोबैक्टेरियम, यू बैक्टेरियम, कोलीफॉर्म, ई कोलाए, लैक्टोबैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम प्रेफरेंजियंस। इसके अलावा नॉर्मल फ्लोरा जेनिटो यूरिटल ट्रैक्ट का ह्यूमन जो वेजाइनल फ्लोरा है वो हमारे पास कंसिस्ट करता है लैक्टोबैसिलस स्पीशी पे। लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारे पास एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिससे पीएच वेजाइना का जो है वो लो रहता है। अगर हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल लो हो तो लैक्टोबैसिलस जो है वो बहुत कम होते हैं और वेजाइना का पीएच जो है वो हाई होता है। लैक्टोबैसिलस जो है वो पेयर करता है, वो प्रिवेंट करता है डिफरेंट पैथोजेंस को ग्रो करने से इन द वेजाइना, और अगर इसकी सप्रेशन हो जाए तो कैंडिडा एल्बिकेंस जो है उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है वेजाइना के अंदर। ओवर ग्रोथ ऑफ दिस डिजीज कैन रिजल्ट इन कैंडिडा वेजाइनाइटिस। वेजाइना जो है वो एनस से क्लोज होती है, तो यहाँ पे नॉर्मल फीकल फ्लोरा भी हो सकता है। क्लोनाइज का मतलब वही है कि हमने एक जगह का नॉर्मल फ्लोरा है लेकिन वो दूसरे और ऑर्गेनिज्म वहाँ पे आके क्लोनाइजेशन कर लें, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाला है। 5% ऑफ वुमेन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में जा सकते हैं ड्यू टू स्टेफ ऑरियस, और 15-20% वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है उनके वजाइना के अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस जिसको कहते हैं। यूरिन इन द ब्लैडर जो है वो हेल्दी पर्सन के अंदर स्टीराइल होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास वो अगर कंटेमिनेट हो जाए स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटस कोलीफॉर्म डिफ्थेरियोइड्स वगैरह से तो हमारे पास यूटीआई कॉज हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। और फीमेल में यूटीआई वगैरह किसकी वजह से कॉज हो सकता है, स्टेफलोकोकस ट्रैप्रोफिटिकस की वजह से।